ठीक है जी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि मैक्स प्लेयर अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें जो है आप कैसे थीम चेंज कर सकते हो। थीम मतलब ब्लैक थीम में वाइट कर सकते हो, वाइट थीम में ब्लैक कर सकते हो। काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है देखने में। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली आपको मैक्स प्लेयर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लोकल फाइल पर आ जाना, जो नीचे दिख रहा है आपको। लोकल फाइल पर जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको थीम चेंज करने का एक ऑप्शन दिखेगा। ध्यान से देखना वीडियो, तभी जो आप समझ पाओगे। अदरवाइज यदि छेड़छाड़ देते हो तो समझ में नहीं आता है। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आपको दिख रहा है फोल्डर्स का ऑप्शन, तो फोल्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है गाइज। क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है ऐप थीम, ऐप थीम पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर देखो लाइट थीम पे ऑलरेडी ये सेलेक्ट है, ये यूज हो रहा है, मतलब वाइट है पूरा, तो ये यूज हो रहा है। डार्क थीम पर आप क्लिक करोगे तो डार्क हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हो ऑनलाइन मैं कुछ अलग थीम लूँ तो वो भी ले सकते हो। यहाँ पर देखो अदर थीम पे दिख रहा है गेट थीम पे, इस पर क्लिक करोगे आप तो जो है डाटा खोल जाएगा। डाटा खोलने के बाद आपका डाटा जैसे खोल दोगे तो ये इंटरनेट वाली सुविधा है। बाकी हम डार्क थीम पे क्लिक करेंगे तो ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इस तरह से मैक्स प्लेयर में आप थीम चेंज कर सकते हो।